हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सायड से और आज हम बनाएंगे बेसन के कुरकुरे सेब। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर दिया है, और ये बहुत कुरकुरे बनेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए तो आप इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब 1 बड़ा स्पून भी ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब अगर हम इस मौसम में बना रहे हैं सर्दियों में तो हम गुनगुना पानी लेंगे, और अगर हम गर्मियों में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी से हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। जैसे आटे का डो बनता है ना, आटा लगाते हैं हम रोटी के लिए, उस तरह से हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे और 1 चम्मच ऊपर से ऑयल लगाकर इसको चिकना कर लेंगे। इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और इतने हम अपने ये ब्लॉक सेट कर लेते हैं। ये एक टाइप ये इस तरह की मशीन आती है, बहुत इजी से मिल जाती है। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लिया है चारों तरफ, और मैंने ये थोड़ा मोटा वाला ब्लॉक लिया है और इसको हम इसमें मशीन में फिट कर देंगे। और इसका एक रोल बनाते हुए बेसन का थोड़ा हाथों में ऑयल लगा लेंगे और एक बेसन का रोल बनाकर और इस मशीन में सेट कर देंगे। ये इस तरह से चला जाएगा, और इसको इस तरह से हमने फिल कर दिया है। ऊपर से हम इसको मशीन को बंद कर देंगे। ये बहुत इजी से मार्केट में मिल जाती है। अब इसको पिंक को दबाते हुए हम बाहर निकाल लेंगे, और इस तरह से हम इसको चूड़ियों को घुमाते हुए बंद कर देंगे। और ये सिर्फ प्रेस करना होता है हमें। इस बीच मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पर कर लेंगे। हमारा तेल बहुत अच्छे से पूरा उबल जाना चाहिए। अब ये इस तरह से प्रेस करते हुए ये इस तरह से हमारे सेब निकलना शुरू हो जाएंगे। इसमें से हमने जितना मोटा ब्लॉक लगाया है उसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं, और हाथ से इस तरह से हटाते हुए हम इसे हटा देंगे, निकाल देंगे। और अब मैंने जब ये सेब डाल दिए हैं तो मैं गैस को मीडियम कर दूंगी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से अंदर तक पूरे क्रिस्पी हो जाए। और इसको घुमाते हुए चलाते हुए अलट पलट के हम बहुत अच्छे से सेक लेंगे। और ये घर में बनने वाली इतनी अच्छी और टेस्टी नमकीन है, इसे हम कभी भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ या ऐसे भी। और इसमें हम अगर चाट मसाला डालेंगे तो और टेस्टी लगती है। ये इस तरह से देखिए मीडियम फ्लेम पे हम करते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसको हमने पलट भी लिया है, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया। इस कलर पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। देखिए अभी इस पूरे झाग भी खत्म हो गए हैं ऑयल के। और इसको निकालने के बाद ये देखिए जो हमारा डो बचा हुआ था, मैं उसको और भी बना लूंगी। ये इस तरह से घुमाते हुए हम इसे निकाल लेंगे। ये सारे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे बना लेंगे। बहुत इजी है बनाना, और एक घर में बहुत टेस्टी सी हमारी नमकीन तैयार हो जाती है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।